करेंगे, इसके ऊपर वोल्ट चेक करेंगे कितने वोल्ट आ रहे हैं। स्टैंडर्ड में बंदे डरते हैं ना, मेरी बाइक का मीटर खराब हो गया और ऐसा कुछ है। हेलो हेलो बाय। आ रही है मी और बाइक है। क्या हाल चाल साहिब भाई, आका गुरीदा राइडर। रोड पे कंटेंट मिल गया। ओह गॉड, तुम्हें बड़े कंटेंट मिलते, क्या बात है। अब भाई अब मैंने कैमरा देख लिया। गाइस अपनी बम्बली भी अच्छी लग रही है, येलो कलर में काफी। अंकल बात करी थी ना आपसे बैटरी के लिए। ये देखो साहिब भाई वाली। भाई राइड भी जा रहा हूं खतरनाक। कब? 4 दिन के लिए। कहां जा रहे हो अभी के बताऊं? देख रहे हो गाइस कितने बदतमीज है। विशाल इलेक्ट्रिकल से शॉप का नाम है, फोन नंबर वगैरह। गाइस ये देखो अपनी बम्बलबी और नियोनी सेमी राइडर बहुत छरी हुई है गाइस का। तो इसका मतलब ये है कि मेरी बैटरी चार्ज हो रही है और अभी इसका हम बैटरी का एम्पियर चेक करेंगे भाई। 12 है तो गाइस इसमें 12 दिखा रहा है। कम होने शुरू हो गए ना। देखो हाँ चालू करेंगे तो हीटर चालू हो जाएगा। एक सेल मार रहा हूँ और एक सेल के अंदर रेस्पॉन्स आ रहा है। Let's purchase module 7100 for Bumblebee and Neoni. Module 7100 होगा। Guys dispatch आ चुके हैं। कितनी payment लगी? चलो bye ना। Thank you bro. Okay bro, bye. Love you. Helmet तो पूछ लिया था तुम्हारी। Sunday ride पे लेंगे। चलो bye. Guys निकल रहे हैं, है ना? चलते हैं। अभी नहीं, वो तो जाएंगे संडे को जाएंगे ना। संडे संडे तो आज ही है। आज वाले पे कैंसिल कर दिया। आज वाले पे यार, आज वाले पे थोड़ा सा ना दो दिन की तबीयत खराब हो गई थी। और कहाँ है वो दर्श वगैरह, कहाँ पर है वो? वहाँ पे सारे वहीं हैं। चलो तो मिलते हैं। हाँ ब्लॉग बना रहे हो? हाँ चल रहा है। हेलो क्या नाम है? नाम बता दो तुम। जस्सी। जस्सी अनमोल याद है मेरे को। हाँ चलो ठीक है। आ रही है मी और बाइक है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। गाइस आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी थोड़ी देर में 5 मिनट में साहिब भाई आने वाले हैं। तो साहिब भाई से बात हो रही, साहिब भाई कह रहा है मेरी 11 स्टूडेंट में मुझे बैटरी डलवानी है, बैटरी तो अमेरॉन की डलवानी है। मैंने कहा ठीक है आ जाओ आप, अमेरॉन की बैटरी इंस्टॉल करवाते हैं कि बाइक में साहिब भाई की में, और साथ ही साथ मॉड्यूल का जो इंजन वाले 7100 20W50 वो भी परचेज करना है, और छोटे मोटे 2-3 काम है अपने, कपलर वगैरह हो गए, जो चार्जिंग कोयल है उसका कपलर वगैरह परचेज करना है। देखते हैं अब क्या सीन होता है। अभी थोड़ी देर में साहिब भाई पहुंचने वाले हैं, बस 5 मिनट में। इतने में एयर फिल करवा लूँ अपने रियर टायर में बम्बलबी में, तो सेकंड बम्बलबी आने वाली है बस 5 मिनट में। ठीक है तो मिलता हूँ तभी मिलता हूँ। ठीक है गाइज कर दो फिल कर दो। गाइज एयर फिल करवा रहे हैं और साहिब भाई का वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में साहिब भाई पहुँच जाएंगे, मिलते हैं फिर। क्या ये बोल रहा आपको चुड़ुआ है? वो मेरा भाई है छोटा। बस चुड़ुआ है? नहीं सिमिलर से हैं थोड़े। अच्छा। अभी आ रही है 3-4 बाइक और आ रही हैं, मिलते हैं। ठीक है बाय। गाइस सैमी भाई आ चुके हैं, अब चलेंगे सीधा बैटरी डलवाने। क्या क्या हाल चाल सैमी भाई, आका गुरीदा राइडर। लेट हो गए तुम, क्या बात है भाई? कंटेंट फाड़ रहा था, रोड पे चलता मेरा कंटेंट मिल गया। चले बैटरी वाले पे चल रहे। मैं रोड पे कंटेंट मिल गया था। अच्छा क्या कंटेंट मिला है? अच्छा आज तो सबने मेडिसिन दे दी संडे राइड पे। संडे राइड पे सबने मेडिसिन दे दी। ओह गॉड तुम्हें बड़े कंटेंट मिलते, क्या बात है। कंटेंट मिले और हम ना पहुंचे। अरे भाई मैटर गर्म कर दे। गाइस ये वाली वीडियो जल्दी आने वाली है, पहले ने अपलोड करने था, चोरी करूंगा वहां से। ओ भाई साहब अभी चप्पो चलेंगे। ये तो भाई साहब मेरे को सुनिए रहा था अबे यार तुम्हारी नहीं सुन रहा था। मैं तो घुस रहा था कि जो भाई मेरे से तो बात कर गंदे कम।
तूने तुरंत GoPro ऑन किया अपना फटाफट है, वैसे ना करते तुम मोनर जगह ना भाई साहब, तभी कहूँ बैटरी बैकअप तगड़ा ही था। इन्हें देखा लगा लोडे, देखा कैमरा लगा बड़ा, अब बैठ जा, अब मैं धरूंगा इसके। अब गया वो है ना, अब गया भाई, अब कंटेंट में तेरा गरम करूंगा, कैमरे का बहुत फायदा है ना, अब मैं तेरा कंटेंट गरम करूंगा देखना अभी। ये देख इधर कर दे तू, अब बता भाई, अब मैंने कैमरा देख लिया, अब मैंने देख लिया कैमरा, अब देख लिया कैमरा मैंने, यहाँ छोड़ रहा था उसकी ऐसे मुझे उधर रखा। गाइस सैमी भाई की बाइक चला रहे हैं, देखते हैं आज इसकी, मैं देखता हूँ स्लिप क्या है, तुम मेरी वाली की मत देखना स्लिप पर भाई साहब। हाँ चलते हैं गाइस, गाइस सैमी भाई भी बढ़िया लग रही है बाइक देखने में, येलो RS, अभी नॉन ABS है, जिस तरीके से भगा रहे हैं ना, और सीधा चल के आपको शॉप पे मिलता हूँ गाइस, ठीक है गाइस। अपनी बम्बली भी अच्छी लग रही है येलो कलर में, काफ़ी सैमी भाई के ऊपर बढ़िया लग रही है, देख रहे हो, तो देखते हैं गोरी भाई क्या मतलब MRON लेंगे, एक साइड डिसाइड करेंगे ना, आ चुके हैं बाकी है। अंकल बात करी थी ना आपसे बैटरी के लिए फ़ोन पर, आपसे डलवाई थी मैंने बैटरी पर पहले। भाई एक सीन कौन गया, क्या चीज़ है, टाइम में फंसा रहता कहीं जाते नहीं, दिखाना अंकल बैटरी RS 200 के लिए। कौन सी दी थी मैंने आपको, 5? नहीं आपने 8 दी थी मेरे को, राइडर प्रो, ये रही सामने रखी है, हाँ ना दिखाना जरा, नहीं ये वाली नहीं, ये वाली 9RBTZ9R थी, ये देखो साइन भाई वाली बैटरी, हाँ वही है, इसी यही है ना मतलब, हाँ कितने ही पड़ेगी जी, 1650 पल्टी मार के 300 रुपये की, 1350 1350 लड़का भाई को निकाल लेना, हम निकाल लें पसंद आएगी नहीं आएगी, ले अपनी कब कहाँ जा रहे हो अभी, क्या बताऊँ देख रहे हो गाइस कितने बदतमीज हैं, ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे, नेपाल तक ही निकल रहे, नेपाल पहाड़ों पे ही है, तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल। अच्छा वैसे हमारा भी प्लान है गाइस, देखो अभी तो सीट कवर वगैरह खोलते हैं, बैटरी इंस्टॉल करेंगे, गाइस विशाल इलेक्ट्रिकल से शॉप का नाम है, फ़ोन नंबर वगैरह बाकी अंकल से बात कर लेते हैं, अंकल अपना कार्ड दिखा दो, जो भी आएगा ना सब्सक्राइबर ख्याल रखना उसका, गाइस देखो ये कार्ड है, एड्रेस देख लो, जो भी आसपास रहता है ना लोकल में, इन अंकल को करना कॉन्टैक्ट विशाल इलेक्ट्रिकल्स, और नियोनी में लगा रहे बैटरी, हालांकि मैंने भी 5 महीने पहले लगवाई थी अपनी बम्बलबी में, और बढ़िया रिव्यू निकला एकदम, ये ओरिजिनल बैटरी थी और आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आती है ना, तो ठीक है गाइस इंस्टॉल करते हैं सीधा। गाइस ये देखो अपनी बम्बलबी और नियोनी सेम ही चीज़ है, उसके लिए ये वाला मॉडल है APBTZ9R MRON प्रो राइडर, बहुत अच्छा रिव्यू है गाइस का, ये है 8 Ampere per hour की, ठीक है तो बेहतरीन है, अभी इंस्टॉल करेंगे गाइस, हम ऐसे मैकेनिक हैं, हम अपने टूल्स में साथ लेके चलते हैं, पता नहीं कहीं चीज़ मिले ना मिले, तो मल्टीमीटर में घर से लेकर आया था चेक करने के लिए, फिलहाल इसके अंदर हम वोल्ट चेक करते हैं बैटरी के कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो गाइस देखो 14 वोल्ट अभी बैटरी दिखा रही है, बट उससे पहले हमको ये चेक करना है कि मेरे किसी चार्जर वगैरह में दिक्कत तो नहीं आ रही, मतलब बैटरी चार्ज हो रही है नहीं हो रही है, उस चीज़ को चेक करने के लिए हमको बाइक को पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, सेल्फ मार्क, जब बाइक स्टार्ट करेंगे ये देखो वोल्ट इसके ऊपर बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, रेस देने को 15 वोल्ट आ गई, तो इसका मतलब ये है कि मेरी बैटरी चार्ज हो रही है, दिक्कत बैटरी में आ रही है, बैटरी चेंज करने से पहले ये चीज़ नेसेसरी है चेक करने के लिए, ये चीज़ चेक करनी ज़रूरी है,
क्योंकि आरएस में आम दिक्कत है, या तो उसका रेक्टिफायर या तो नीचे कोलपिट खराब हो सकती है। तो अभी मैं श्योर हूँ कि मेरी बाइक की ना बैटरी खराब है, तो फिलहाल अभी मैं बैटरी चेंज करूँगा। एक वायर पॉजिटिव से निगेटिव निगेटिव से गाइस सब काम कर रहे हैं। साइन भाई खुद से आज गाइस देखो अभी वोल्ट कितने दिखा रहे हैं, जब सेल्फ लगेगी तो सेल्फ लगने के बाद देखना कितना वोल्ट जा रहा है। सेल्फ मानो, सेल्फ मानो अंकल। ये देखो 9 वोल्ट जा रही है बैटरी, बैटरी 10 वोल्ट से नीचे नहीं जानी चाहिए। और अभी इसका हम बैटरी का एम्पीयर चेक करेंगे, भाई कितना एम्पीयर हमको दे रही है। नीचे जा रही है साइन भाई, है ना, नीचे जा रही है ना। चलो कोई नहीं, वो तो खैर बैटरी डलेगी इसमें, अब बढ़िया काम हो जाएगा नियोनी का। संडे राइड पे धूम मचानी है की बार है, देख रहे हो गाइस। तुम तो फोन ही उठाते भाई, रहने दो तुम। गाइस अपनी न्यू बैटरी आ गई है एमेरोन। ओहो बेल्ट सही सलामत है तक है, नहीं चुरा रखी किसी की। और तो बता मेरे को, लास्ट वीडियो नहीं बैटरी निकल गई। तुम ताक में रहते हो, कहीं कोई कोई भी आरएस दिख जाएगी किसी सब्सक्राइबर की, पेज नहीं मिल जाएगी, पेज मैं तो छोड़ूंगा नहीं अपनी बाइक तुम्हारे पास कहीं भी गलती से भी। ये फ्यूल पंप वगैरह निकल जाए इसका। एम्पीयर कैसे करते हैं? एम्पीयर चेक करने हैं। हाँ। एम्पीयर मीटर लग होता है गाइस के, एम्पीयर मीटर से एम्पीयर चेक कर रहे हैं। ठीक है, जो भी सिनेरियो देख लो इससे। नहीं तो अभी एम्पीयर इसमें दिखाएंगे तो क्या आएगा? वोल्ट, वोल्ट आएगा ना, एम्पीयर नहीं आने के। एम्पीयर यहाँ आएंगे साइन भाई, इसमें एम्पीयर इस पे आएंगे। हाँ रेक्टिफायर इससे पता चल जाएगा बैटरी खराब है कि ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको लोडर बोलते हैं, लोडर, लोडर, लोडर चेक करने के लिए, मतलब बैटरी ठीक नहीं है। गाइस लोडर से चेक कर रहे हैं बैटरी, अब देखते हैं ओल्ड बैटरी का क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है। निगेटिव निगेटिव पे लगेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव पे। तो गाइस अभी वोल्ट दिखा रहा है, 12 वोल्ट दिखा रहा है, 12 है तो गाइस इसमें 12 दिखा रहा है। खराब है बैटरी ना, करने पे क्या होगा? मतलब कुछ प्रेस करा आपने? गाइस मुझे तो बैटरी ख़राब लग रही है वाली, बाकी लोड डाल दे तो वोल्टेज ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है ना, कम होनी शुरू हो गई ना। देखो हाँ बारह इक्कीस आ रही है, लोड हटा हुआ है, लोड डालो। ओह इधर नो पहुँच रही भाई, गाइस देख रहे हो कितनी कम पहुंच गई थी, नो गलती चल जाएगी। तो नहीं वो तो इतना तो कम हो गई, वैसे ट्रिक होना और है, ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप हो रही है ना, रुक जानी चाहिए, डाउन नहीं जानी चाहिए। अच्छा मतलब एकदम नीचे आ रही है, एक बार बंद करना, कितनी हो गई 12, ये भी चालू करना है? चालू करेंगे तो हीटर चालू हो जाएगा, लोड पड़ जाएगा, गरम हो जाएगा, रेजिस्टेंस है ना। बंद करना, काफी अच्छा आइटम है लोडर की। तो गाइस इस मशीन को कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट करके इसके ऊपर देखो वोल्ट आपको कितना दिखा रहा है, 12.80 वोल्ट दिखा रहा है। जब हम इसको मशीन को चालू करेंगे एकदम से तो वोल्ट ड्रॉप हो रही है, तो अभी इसका बटन चालू करेंगे। जैसे गाइस बटन चालू हो रहा है देखो 12.10 12.3 वोल्टेज इधर से ड्रॉप हो रहे हैं, और इसके अंदर ना हीटर एलिमेंट्स लगे होते हैं जो कि अभी गर्म होना स्टार्ट हो गए, और ये बैटरी में दिक्कत अभी है तो उस बैटरी को मैं चेंज करना होगा। गाइस देखा आपने कितने वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस होगा लोड बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप मस्ट है। ठीक है तो बाकी अब इंस्टॉल करते हैं। क्या चेक कर रहे हो तुम? ऐसे थोड़ी आएंगे भाई, वो तो एम तो तब आएगा ना जब कोई लोड आएगा इसके ऊपर, लोड नहीं आएगा तो कंडीशन चेक कर लोगे आप? वो सीरीज में आते लगा करके। तो ठीक है गाइस, टचवुड न्यू बैटरी इंस्टॉल हो रही है नियोनी के अंदर, कलर भी नियोनी वाला है बिल्कुल। चलो गुरीदा राइडर भाई जल्दी इंस्टॉल करो। ऑनलाइन भी काम करते हो अंकल? अमेजोन पे है? अच्छा ऑनलाइन भेज दोगे किसी को ना, कोरियर करना हो तो ना? ठीक है गाइस, ये नंबर वंबर सब देख लेना और अंकल का कॉन्टैक्ट करो, जो भी बैटरी चाहिए सब ऑथेंटिक ओरिजिनल 100%। मैं भी 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, एक नंबर रिपोर्ट है बाइक की बिल्कुल। तो अंकल को कॉन्टैक्ट करके कोरियर करवा लेना। ठीक है अंकल, बाकी वारंटी इसकी 2 साल, और 2 साल वैसे, 2 साल वैसे रहती है। बैटरी जो कार्ड है ना उसके ऊपर चिपका देना, क्योंकि क्या होता है घर रख के भूल जाते, मिलते नहीं है। वो मेरी बैटरी वारंटी में थी लेकिन वो कार्ड नहीं मिला उसका ना। हाँ गाइज ये और चीज़ें आपको कोरियर चार्जेस देने पड़ेंगे अलग से। ठीक है
जो भी लेंगे आप देख लेना जो आस पास रहता है, मतलब ठीक है अपनी बढ़िया रिव्यू रहता है इन चीज़ों का। और गाइस एक ऑल्टरनेट हो रहा है इसका, मैं दिखाता हूँ एमेरॉन का आपको, जो यहाँ पर दिख जाएगा। एक साइड की एक्सप्लोरर दिखाना भी एक बार ज़रा, इसके साथ एक और आती है ना एक साइड की बैटरी आती है सेम ऐसी, दिखाना एक बार मेरे को ज़रा, सब्सक्राइबर को दिखा दूँ अपने, डब्बा दिखा दो ऐसी कोई सा ना। हाँ हाँ ये देखो गाइस ये वाली कह रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी बैटरी ये वाली है ना, टक्कर की बैटरी है एमेरॉन की। हाँ ये ऐसा बैटरी, ये भी ठीक है वैसे। अच्छा ये बैक साइड का ही है, अच्छा उन्हीं का ब्रांड है एसएफ ये पक्का, बहुत ब्रांड है एक साइड के तो। अच्छा ये भी एक साइड की है। अच्छा 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 तो इन्वर्टर वगैरह की भी बैटरी रखते हो अपना, तो ठीक है गाइस कॉन्टैक्ट करना भाई वगैरह जो भी होगा, इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी। अच्छा सब चीज़ें मतलब है, तो ठीक है ये वाली बैटरी भी लगता है एक साइड की अच्छी काफ़ी, जो कंपनी से स्टॉक वाली ना, बाकी वारंटी कार्ड वगैरह सब ऑथेंटिक काम है बिल्कुल, बिल वगैरह सब ना। तो ये देख लो आपको सर्टिफिकेट भी भाई जी के पास आ रहे टू जेड है ना, हालांकि मैं भी 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ बैटरी जो मेरी बम्बल वी में लग रखी है इस टाइम, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आया, मतलब कोई समस्या नहीं आई टचवुड। तो अब देख लो गुरी भाई ने तो कर ली इंस्टॉल, गाइस बैटरी लग गई, एक बार रेस्पॉन्स देखता हूँ मैं कैसा रहता है। हाँ एक 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 टच में स्टार्ट होगी देखना, अभी बाइक की ताकत दिखाता हूँ आपको। तो गाइस अभी ना एमरन वाली बैटरी इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है और बाइक में सेल्फ अभी मार्केट चेक करेंगे। तो देखो पहले क्या हो रहा था, जब पहले मैं सेल्फ मार रहा था ना तो मीटर ड्रॉप हो रहा था मेरा, लेकिन अभी मैं सेल्फ मार रहा हूँ और एक सेल के अंदर रेस्पॉन्स आ रहा है और मीटर भी देखो ड्रॉप नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम इसके ऊपर वोल्ट चेक करेंगे कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो गाइस आपने देखा मीटर ड्रॉप वाली जो दिक्कत बहुत बाइकों में बताते हैं ना, वो बैटरी की दिक्कत होती है, जो डरना नहीं है आपको आर एस 100 में 12.7 ना। तो गाइस अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर वोल्ट आ रहा है 12.7, अभी सेल्फ मारेंगे देखते हैं कितना ड्रॉप होता है। सेल्फ मारना देखो कुछ वोल्ट ड्रॉप नहीं हुआ, अगर मिनिमम वोल्ट ड्रॉप भी होगा तो 10 वोल्ट हो जाना चाहिए। और देखो अब जब हम रेस दे रहे हैं तो इसके वोल्ट बढ़ रहे हैं, मतलब बैटरी हमारी चार्ज ही हो रही है साथ में, तो वो बैटरी ख़राब थी तो इसलिए ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा था। और बैटरी ये भी एकदम ओके है और टोटल रिस्पॉन्स ना पहले से बढ़ चुका है, क्योंकि ये पूरी FI बाइक है, इसकी इंजेक्टर्स वगैरह और फ्यूल पंप की मोटर बैटरी से ही ऑपरेट होती है। तो आपका बाइक में हल्का और पिकअप का इशू है ना, माइनर से इशू है, वो भी चीज़ से ठीक हो जाएगा। तो गाइस देखा आपने, मतलब बंद करो टाइम बटन जरा दिखा दो थोड़ा सा बंदों को, जैसे RS 200 में बंदे डरते हैं ना मेरी बाइक का मीटर ख़राब हो गया ऐसा कुछ है, तो अब देखना एक ही सेल्फ में न्यू बैटरी से बिल्कुल भी फ्लिक नहीं आएगा मीटर के अंदर। देखा आपने, तो बैटरी का एक साल बाद दिक्कत आती है RS में, बैटरी की दिक्कत नहीं हो, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज बहुत ज़्यादा हैवी हैं इसके, ठीक है। तो आप टेंशन फ्री एमेरॉन लगवा सकते हो 8 एम्पियर, ठीक है। ठीक है साईं भाई अनुमति है ना, ठीक है। तो ठीक है तो अब सीधा मॉड्यूल लेने चलते हैं, मॉड्यूल लोग है ना मॉड्यूल, अब मॉड्यूल परचेज करवाएंगे, आज महंगा खर्चा कर दिया साईं भाई ने बाइक के ऊपर, अभी तो खर्चे होने हैं। ये चिपकवा देना टेप होगी भैया, बेल्ट है देखा। तो मैं कह रहा साईं भाई को हल्के में मत लिया करो, महंगी बातचीत है इनकी, बैटरी भी मॉड्यूल भी है। तो गाइस अपना काम हो गया, साईं भाई ने इंस्टॉल करवा ली बैटरी, और थैंक यू अंकल इंस्टॉल करने के लिए, और भाई ने काफ़ी हेल्प करी है, ठीक है। तो चलते हैं सीधा मॉड्यूल डलवाएंगे अपनी बम्बलबी में, पहले तो भाई घर लेके जाएंगे मॉड्यूल को, देखते हैं मॉड्यूल मिल जाएगा 7100, बाकी एक बार देख लो आप एड्रेस वगैरह जो भी शायद है, ठीक है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लो जो भी बैटरी वगैरह चाहिए, ठीक है। तो सीधा आपको मैं शॉप पर मिलता हूँ, मॉड्यूल परचेज करते हैं, ठीक है। गाइज पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पे, अपना मॉड्यूल परचेज करते हैं, मॉड्यूल लेट्स परचेज मॉड्यूल 7100 फॉर बम्बलबी एंड न्योनी। भैया मॉड्यूल 7100 होगा, 20-50 मिल जाएगा साइन भैया, तो 1.5 लीटर वाला, 1.5 लीटर वाला दो भाई। हाँ यूट्यूब पर चैनल है दोनों का ही है, 1.5 वाला हैंडल वाले थे भाई, हैंडल वाला ना भाई, इंजन रमा हो रहा है ना पहले से ना, फर्क पड़ेगा अभी है ना, सबसे बड़ा सबसे ऊपरी दोनों लोगों ने चला गया भाई, भाई मैंने वीडियो देखी बाद में कैच के लाया गाड़ी को, बहुत की लाया ना वो भाई, राइडर है वैसे ना, सही राइडर है भी, हमें पता इंजन का काम खींच नहीं रहे, उन्होंने कह दी खींच दी और बहुत अंतर पड़ा है ना, लगी नहीं रही मतलब जैसे ना उस दिन वाली ना संडे राइड पे तो बहुत वैसी लग रही थी। गाइस ये आ चुका है 7100, क्या प्राइस है भैया इसका, वही चेक कर रहा था वायरिंग वायरिंग
गाइस अब जो ऑयल फिल करवाएंगे पहले गैराज में जा रहे हैं बाइक अंदर इसको ऐसे पकड़ना है। हाँ भैया ऑयल डलवाना आर एस में, आर एस 200 है डाल दो लिया। गाइस बाइक वहाँ लगा दूँ, उन्होंने बोला बाइक यहाँ लगा करके ले आओ, तब करते हैं ऑयल चेंज का मॉड्यूल। और ये ऑयल कितने का लाइव लगी है? 1250 किलोमीटर चला गया अभी तक। अभी देखना अभी क्वालिटी देखो, सेम बाइक आते कैसी कितनी गंदी क्वालिटी निकलेगी इंजन ऑयल की। गाइस डिस्पैट आ चुके हैं, डिस्पैट देख लो ब्रांड न्यू ओरिजिनल है बिल्कुल। गाइस देखो बढ़िया काम कर दिया भाई ने, वॉशर लग करके वॉशर इसके ऊपर तो ठीक है, थोड़ा मजबूरी वाला काम था इसमें बढ़िया कर दिया उन्होंने, आराम से जा रहा है और फोर माउथ वाला नहीं है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कितनी पेमेंट लगी? चलो बाय ना, थैंक यू ब्रो। ओके ब्रो बाय, लव यू। हेलमेट तो पूछ ले दो, संडे राइड पे लेंगे। चलो बाय गाइस निकल रहे हैं है ना, चलते हैं।